न्यू ब्लॉग। और आज देखिए मेरा ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और आज मैं एकदम नई जगह जा रही हूँ और आप सबके साथ भी आज का ब्लॉग शेयर करूँगी। और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, इस ब्लॉग को पूरा देखना एंड तक, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली जो मेरी भाभी है ना, उनके मायके जा रही हूँ, कुछ प्रोग्राम था इसलिए जा रही हूँ। आगे आप ब्लॉग में बने रहिए, पता चल जाएगा क्या प्रोग्राम है। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, और सुबह का टाइम हो रहा था ना, सुबह के टाइम में गाय भैंस भेड़ बकरी सब सड़क पर ही मिलेंगी देखने के लिए। तो हम लोग निकल पड़े हैं और आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में एंड इस ब्लॉग में। मैं आज सुबह से मिलने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं भाभी के मायके जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से, और अभी रास्ते में रुके हुए हैं, गाड़ी में हवा डलवानी है। हमारे साथ में मेरी भी जा रहा है, मेरी जा रही है, मैं रुदाज एंड सैया जा रहे हैं। तो मेरे तीन लोग जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं वो ब्लॉग में बने रही, तो आगे आपको भी पता चल जाएगा। फाइनली हम पहुँच गए हैं भाभी के मायके। सो यहाँ पे मैं बताती हूँ क्यों आए हुए हैं। भाभी के जो चाचा जी है ना, वो गए हुए थे कांवड़ भरने के लिए, एंड गांव के कुछ लोग और होंगे, तो वो सारे लोग गए हुए थे कांवड़ भरने के लिए। सो देखिए, जैसे हम लोग गांव में अंदर को एंटर हुए ना, स्टार्टिंग में ही हमको सारे कांवड़िया मिल गए थे, एंड वहाँ हम उनके पीछे पीछे चलते आए। और ये जो कांवड़ भर के लेके आए हुए हैं, ये जा रही हैं मंदिर पर चढ़ने के लिए। सो ये देखिए कांवड़ कितने अच्छे से डेकोरेट की हुई है ना, बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे मैं पता है एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जो गांव में चीज़ें होती है ना, वो कितनी अच्छी लगती है ना, सब मिलजुल कर एक साथ करते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। यही सब चीज़ें गांव में देखने के लिए मिलती हैं, ये शहरों में नहीं मिलती हैं। सो पूरा गांव इकट्ठा होके उनका वेलकम कर रहा है, देखिए किस तरीके से नाच गाना होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेंगी। सब लोगों ने अपने घरों पे रंगोली बनाई हुई है, कलश रखा हुआ है, एंड चौक पूरा हुआ है, दीपक जलाया हुआ है उनका वेलकम के लिए। और यहाँ पर ये देखिए सब लोग लेट के उस जल को नमस्कार कर रहे हैं। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ब्लॉग में देखने के लिए, सो बने रही है इस ब्लॉग में एंड तक। ये है मेरी दादी, जो मुझे देखे ना इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे ना वो पहले ही आ गई थी भाभी के साथ, इसलिए वो दादी मुझे मिल नहीं पाई थी। और यहाँ पे हमें लगी थी प्यास, तो भाभी पता है क्या कर रही थी। एक्चुअली ये भाभी का पुराना वाला घर है ना, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, सब लोग ना जहाँ पे उनके खेत वगैरह है ना, दूसरी जगह रहने लग गए, ये बाकर उन्होंने छोड़ दिए ये वाला घर। तो यहाँ पे कुछ बर्तन वर्तन नहीं थे ना, तो सबको प्यास लगी थी, तो भाभी ना सबको पानी पिला रही थी। एक्चुअली रिया के ना जो दांत है ना, वो आगे के है नहीं, तो मैं रिया को चिढ़ा रही थी। मैंने कहा रिया पानी कैसे पिएगी, तू तो बाहर निकल जा रहा। तो सब लोग यहाँ बैठ गए, थोड़ी देर बैठे, पानी यानी पिया, एंड उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर से निकल गए। और अब जाएंगे हम मंदिर की तरफ। तो ये देखिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, सारी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे सब लोग थे। और ये है रुद्रांश, तो रुद्रांश को किसी चीज़ से मतलब नहीं था, उसको तो गुलाल मिल गया था, सूर्या दीदी के साथ उसने मस्ती की, एंड वहाँ उसको डीजे मिल गया था डांस करने को, और बस उसके दोस्त मिल गए थे रिया दीदी, प्रियांशु भैया, कार्तिक भैया, वही उसके भाई हैं, वही उसके दोस्त हैं। सो उसने खूब 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 इन्जॉय किया। सो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देखी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कौन कौन इस ब्लॉग को देख रहा है और ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम देख रहा है, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। थक गए हो हैं? दाना जोगा बोगा है।
कटू का आज बर्थडे, हमें पता ही नहीं था। खूब पीटो खूब पीटो, आज बर्थडे है ना, खूब पिटाई लगाओ। बर्थडे वो आएगी। पहुंच गए हम लोग मंदिर पे, जहाँ पे चढ़नी है कावड़। तो ये ना गांव में एकदम न्यू मंदिर बना होगा, तो यहीं पे कावड़ें चढ़नी थी। सो चढ़ गई हैं, सो जो भी पूजा पाठ रहता है उनका हो गया था, एंड अब सब अपने अपने घर जा रहे थे कावड़ें लेके। और यहाँ आके ना एकदम सुकून सा मिल गया था। और ये है मेरी प्यारी सी बड़ी वाली भाभी, इन्हीं के घर आए हुए हैं हम, मतलब मायके आए हुए हैं। और यहाँ पर खूब नाच गाना डांस हुआ, आप लोगों ने देखा, औरतें भी मतलब फुल जोश में थी, मतलब सबके चेहरे पे ना एक अलग ही स्माइल थी। और इन सबसे मिलके भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भाभी के घर में सेकंड टाइम आई हुई थी ना, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो खूब इंजॉय किया हमने। ये देखो हमारा झुमरू आया है मामा के यहाँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, कावड़ जो थी ना वो मंदिर पर चढ़ गई हैं, और अभी हम आ गए हैं भाभी के घर, मतलब मायके उनके, और पी रहे हैं मस्त वाली चाय। दादी पहले की आई हुई हैं, तो ये दादी बैठी हुई हैं, चाय पी रही हैं। हाँ देखना देखना देखना, गरम हो रहा होगा बहुत अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है। ये छोटा छी बच्चा को, ये छोटा छी बच्चा को हवा लग रही है। आ, 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 क्या हुआ? हम सब जा रहे हैं अभी मैन डोर के पास, क्योंकि गांव में जो मंदिर था ना वहाँ पे कावड़े चढ़ने के बाद फिर वो जब घर आते हैं तो उनका वेलकम घर पे किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ देखने मिली, कुछ चीज़ें सीखने भी मिली, कि जब हम लाइफ में फर्स्ट टाइम चीज़ें देखते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। सो यहाँ पर ये देखिए भाभी के चाचा जी हैं और एक और हैं साथ में, वो नहीं पता मुझे कौन है। सो यहाँ पर वो जो कावड़ थी ना वो लेके आए हुए हैं, किस तरीके से ना डेकोरेट किया हुआ, पूरी एकदम सुंदर सी डेकोरेट करके रखा हुआ था उसको, काफ़ी सुंदर लग रही थी कावड़। और यहाँ पे ना जब उनका वेलकम करते हैं ना, तो ये हैं भाभी की बुआ जी, जिनको मतलब जो कलश रखे हुए थे उनको कलश में कुछ नेक डाला जाता है, एंड उसके बाद फिर उनको अंदर एंट्री मिलती है। सो यहाँ पे हम सब लोग खड़े हुए थे, और ये देखिए यहाँ पे पहले वो टीका करेंगी, पूजा करती हैं कावड़ की, एंड उसके बाद फिर वो घर के अंदर आते हैं। कावड़ियों का वेलकम हो रहा है। वो नहीं निकालते बेटा, आपको पता है वो पैदल चल के आए हैं, पैदल ये भर के लेके आए हैं जल, इसमें जल भर के ले आए हैं, जल भर के। यहाँ टीका लगा रही है नानी। बच्चों को कावड़ की डेकोरेशन पसंद आ गई है, देखो सारे खिलौने निकालने की खुराक में है वो। अभी मत निकालो कोई। अच्छा ये सबको दे देंगे, जैसे ये चूड़ी है, है ना, ये टॉय है, और ये रुमाल, सब बढ़ जाएगा, और इसमें जल भरा हुआ है। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इस ब्लॉग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो गाइस ये है मेरे ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने की मिलेंगी, बहुत सारा फन है, एंड भाभी के भाई का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेशन, सब लोगों ने मस्ती धमाल क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस ब्लॉग में मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना, एंड सेकेंड पार्ट का भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उस बारे ब्लॉग को भी जरूर से देखना, एंड पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब करना।